अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, हम बना रहे हैं मटन पाई। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? कि मैंने दो टमाटर लिए हैं, हमने इसी तरह कटिंग कर ली है। छिलका मैं उतारूंगी इसे जब ये गल जाएगा। और एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, लहसुन 8 से 10 चमे हैं जो मैंने ये पीस लिए इस तरीके से, इसके अंदर पीस लिए हैं। और ये पाए हैं और ये स्पाइसी हैं। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे कुकर, प्रेशर कुकर में, और उसमें ये प्याज शामिल कर देंगे। पाए बाज़ार से जैसे मिलते हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ज़रा तेज गर्म पानी करके उसमें डिप करके और इन्हें अच्छे से धो लिया। प्याज थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पकाएंगे, ज़रा कच्चा पानी इसका दूर हो। इसी से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस देख सकें। ये आप लोगों का प्यार होता है, हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, जो हम मेहनत करते हैं। जी देखिए, ये प्याज थोड़े पक गए हैं, तो अब हम इसमें ये लहसुन कुटा हुआ शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून है फुल जो लहसुन हम इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। लहसुन इसका पाए का लाजमी जूस है, इससे स्मेल ख़त्म होती है पाए में जो मौजूद होती है। थोड़ा सा इसे पकाएंगे और ये हम टमाटो जो हमने हाफ तरीके से कटिंग की है ये भी हम शामिल कर देंगे। जब ये गलेंगे पाए तो हम ये छिलका इसका रिमूव कर देंगे। तो व्यूअर्स, हम ये पाए इसकी शामिल कर देंगे। और साथ स्पाइसी इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये छिलका मैंने रिमूव कर लिया, ये भुनाई के दौरान ही नरम हो गया था छिलका और इसे रिमूव किया। अब हम इसमें स्पाइसी ऐड करते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टीस्पून भर के सूखा धनिया कुटा हुआ, ये भी इसका खास यूज है पाए का। और इसमें 2 टीस्पून हम लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं और 1/2 टीस्पून से ज़रा ज़्यादा हल्दी और 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल कर रहे हैं। ये पाए की स्मेल ख़त्म हो, बाकी जो कमी बेशी होगी वो हम इसमें बाद में मसाले ऐड करेंगे। ये अच्छे से गलेंगे, उसके बाद हम इसे तड़का भी लगाएंगे जब गल जाएंगे पाए। अभी हम इसे भून रहे हैं। जी तो आप देख सकते हैं इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। टमाटर भी इसमें मैंने भून लिए है, छिलका जिसका उतारा था। अभी मज़ीद ये गलेंगे, मसाले इसमें जो शामिल हुए हैं, प्याज वगैरह सब कुछ। तो हम अब इस टाइम इसमें पानी शामिल करेंगे और कुकर करेंगे बंद, प्रेशर कुकर। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे हम पानी डाल के और गलाएंगे। जी तो हमने प्रेशर कुकर कर लिया बंद और वेट दे दिया 30 मिनट्स के लिए पाए में पानी शामिल करके और गलने के लिए रख दिया। जैसे गल जाएंगे आगे मैं रेसिपी बताऊंगी। जी व्यूवर्स, फाइनली हमारे पाए गल चुके हैं, बस अब हम इसे तड़का लगाएंगे। ये मैंने साथ ही फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून जितना लहसुन दोबारा से डालेंगे, ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये व्यूअर्स, ये देखें इसका शोरबा कितना रखना है ग्रेवी अब पाए की। नमक मिर्च हर चीज़ मैंने चेक कर ली है, बहुत मज़े किए हैं इसमें सब कुछ, नमक मिर्च मसाले। और ये मैंने हरे धनिए की भी कटिंग कर ली है, ये हम शामिल करेंगे। लहसुन ब्राउन है क्या इसमें, वो भी हम शामिल करेंगे। मज़ेदार से पाए रेडी हैं, आप इसे पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी से खाएं, जिस चीज़ से आपका दिल करे आप अपनी मर्ज़ी से खाएं।
आगे वैसे बकराई आ रही है उस पर भी ये जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। जी व्यूअर्स, ये रेडी है हमारा लहसुन का तड़का। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया, इसे मजेदार सिपाही रेडी हैं। हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ कुछ मैंने अंदर डाला है, कुछ ऊपर गार्निश करेंगे हम। आपने जरूर ट्राई करनी है ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताना है, अपना फीडबैक दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।